मैं पैसे लैन गया सर, वो पैसे दे लैन देन च उन्होंने मेरे ना कुटमार की है। पहले मेरे थप्पड़ मारा गया, बाद मेरी पग लाती है, तीन चार हो जाने से राह जाते मैनू बचाने वास्ते आए थे वो लड़के दो, उन्होंने मैनू बचाया, नहीं तो ये शायद मैनू मार ही देंगे। देखो ये साढ़े तो घाट इतने रह गई भी शस्त्रधारी नहीं सी, जेकर शस्त्रधारी हों तो गुरु साहब के हुक्म मुताबक जो उत्थे मौके पर बनता हो फैसला से वो करता, तो फिर इतने हुण तक परचा भी हो जाना सीगा। पर इतने क्योंकि यदि सदार लथी है, ये केस पट्टे गए ने, इन धक्का होया वा सिख नाल, तो हजे जिहड़ियां वो जांचां होणगियां अजे देखते हैं, बुलाने करते हैं। पिछले दिन ही अमृतसर के हाथी गेट के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर जो कि सिख नौजवान से उसके केसों की बेअदबी की गई है, जिस तो बाद निहंग सिंह जथेबंदियां उसके हक के खड़िया हुई हैं। तो पहले असी तुहानू तस्वीर दिखा रहे हैं, तुसी देख सकते हो कि वड्डी गिनती में निहंग सिंह जथेबंदियां उस टैक्सी ड्राइवर के नाल खड़िया ने, क्योंकि उसकी केसों की बेअदबी की गई है। तो इस वेले टैक्सी ड्राइवर जो कि इतने पहुंचे हुए हैं, तो फिलहाल असी उन्होंने नाल गलबात भी करते हैं। तो सर की नाम है तुहाडा? सुखदेव सिंह जी। तो की कहना चाहते हो, क्यों तुहाडी कुटमार कल उत्थे की गई है जी? सर पैसों तो कुटमार की गई है, मैं पैसे लैन गया सर, वो पैसे दे लैन देन से उन्होंने मेरे ना कुटमार की है। पहले मेरे थप्पड़ मारा गया, बाद मेरी पग लाती है, तीन चार हो जाने से, बाद उन्होंने फादर भी आ गए, वो भी धमकिया मैनू लोन लापे, उस वादा वादा काम बद गया जी। तो किन्ने पैसों नू लैके झगड़ा होया उत्थे? थोड़े जे पैसों नू लैके झगड़ा सी, पर मेरे बच्चा मेरे गल पैया सी जी। तो तुहाडे नाल होर भी कोई सिख सी जिहड़ी पग लगाई? राह जांदे मैनू बचाने वास्ते आए सी वो लड़के दो, उन्होंने मैनू बचाया, नहीं तो ये शायद मैनू मार ही देंदे। तो जो दूसरा तुहाडे नाल दस्या जा रहा है, एक और सिख नौजवान सी, की उसके वालों राजीनामा कर लिया गया दूजी पार्टी? उसका सानू कोई पता नहीं जी, उस बारे नहीं सानू कोई ज्ञान। तो तुहाडे वालों कल की शिकायत दी गई है, तो पुलिस वालों हुण तक की कार्रवाई की गई है जी? इत्थे हाल की घड़ी तो उन्होंने टाइम देता, बाकी तुहानू दस दांगे जो भी होगा कार्रवाई। अज तुहाडे नाल निहंग सिंह जथेबंदियां भी खड़िया ने, तो की कहना चाहते हो? ये जी चलो मैं सिख होने के नाते मेरे नाल खड़ी आ, मेरे कोई वैसे जानता नहीं, मेरे नाल सिख होने के नाते आए भी केसा की बेदबी हुई है, पगड़ी की बेदबी हुई है, तो करके मेरे नाल खड़ी है। कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने नौजवानों के उपर जिन्हों के वालों सड़क के उपर कुटमार की गई है? बिल्कुल जी, कार्रवाई तो जरूरी है, हाले तक कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो लगता कि पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि दो दिन हो चुके हैं, टाइम दे रहे हैं, देखो हम शाम का टाइम दिता की बनता, हम ये पुलिस को पता होगा। ऐसी टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने गलबात की गई, फिलहाल इन्होंने वालों दसाया गया है कि पुलिस के वालों 5 बजे का टाइम दिता गया था। परमजीत सिंह काली भी इतने पहुंचे हुए हैं, जो कि हर टाइम हर किसी के नाल खड़ते हैं, तो जो भी कोई वीडियो वायरल होती है तो इन्होंने वालों पहला अपना बयान दिता जाता, तो असी इन्होंने नाल भी गलबात करते हैं। तो की कहना चाहते हो, अज तुम टैक्सी ड्राइवर जो कि सिख नौजवान की कुटमार हुई है, अज उस खड़े हो? वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। बेनती है भी जो वीडियो वायरल हुई है, साढ़े सिंघां नाल इन्हां दा संपर्क होया, भाई जतिंदर सिंह हुणां नाल होर सिंघां नाल इन्होंने संपर्क किया, दसिया कि मेरे नाल ये धक्का होया वा, धक्का भी ये कोई उत्थे कोई धक्का करनी सी गया, जां कुछ उत्थे बदमाशी करनी सी गया, टैक्सी चलाउंदा वीर उन्हां दी ओह सवारी ढोंदा सीगा, उन्हां दा गैस्ट हाउस आ, अपने हक दे पैसे मंगण गया सी, इहनूं ओह पैसे पूरे नहीं सी दे रहे, इहने कहा मैनूं पूरे पैसे दिओ। वह मुंडा जिहड़ा सीगा पवन कुमार दा, जिहड़ा ओह बदमाशी करदा, क्योंकि अपने इलाके च बणिया होगा ना, बदमाश होगा शायद अपने इलाके का, सो उहने इहनूं कल्ला देख के इहदे नाल बदमाशी कर लग पिया, ये पहला इनू दबके दुबके मारने शुरू किए, फिर ये कहने मुताबिक थप्पड़ मार के दस्तार ला के फिर केस पट्टे कुटिया, ईवन जिहड़ा उत्थे नौजवान लागे दो छडाउण आए उन्हां नाल भी कुटमार की। सो पूरी वो इलाके दे विचों कहिंदे भी अपने आप च बदमाश आ शायद वो, पर बेनती है भी वेखो ये साढ़े तो घाट इतने रह गई भी शस्त्रधारी नहीं सी, जेकर शस्त्रधारी हों तो गुरु साहब के हुक्म मुताबक जो उत्थे मौके पर बनता हो फैसला से वो करता, तो फिर इतने हुण तक परचा भी हो जाना सीगा, तो हो सकता ये परिवार के जीवन भी हो जाता, तो इन्हू चाके हुण तक शायद सेंटर दे भेज देंदे। पर इतने क्योंकि यदि दस्तार लथी है, ये केस पट्टे गए ने, इन्हां दा धक्का होया वा सिख नाल, तो हजे जिहड़ियां वो जांचां होणगियां अजे देखते हैं, बुलाने करते हैं। सो असीं तां अपना ये आस करके प्रशासन को आए हैं कि प्रशासन अपना बनता फर्ज जिहड़ा निभावे, क्योंकि जे असीं अपने पद्धर ते सिख नौ जथेबंदियां जां पंथक रवायतां अनुसार फैसला करांगे, फिर सानू तां पुलिस ने मिंट च लभ भी जाणा ते परचे भी हो जाणे हन। तां अज तुहाडी SHO दे नाल की गलबात होई है, जदों तुसीं हुणे इत्थे कतवाली थाणे दे बाहर गलबात कर रहे सी? वेखो जिहड़े मौके दे इत्थे इंचार्ज जोगा सिंह उन्हां नूं मिले आ, उन्हां नूं सारी गलबात दसी आ, उह कहिंदे मैनूं पता नहीं सी, उन्हां नूं सारी जिहड़ी वी जानकारी दित्ती गई आ, हालात तों अवगत कराया गया वा, ते उन्हां ने इह कहा वा भी असीं बनदी जिहड़ी कार्रवाई उन्हां ते करांगे, जेकर ये माफ़ी मंगाउणा चाहुणगे संतुष्ट होणगे ते ठीक आ, नहीं ते फिर उन्हां दी जिहड़ी बनदी कार्रवाई करांगे, आस करदे आ वी उह बनदी कार्रवाई करनगे। तां सर पुलिस दे वल्लों जिस तरह हुण जिस तरह तुहाडे नाल गलबात की जा रही, उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा कि रात नूं इन्हां नूं बुलाया गया सी पर इह नहीं पहुंचे,
रात इन्हों तो बुलाया जा रहा है भी जी दूजी धेरा ना जो मुंडा दूजा जो छड़ा रहा वो तो दबा दबू पा के राजनामा करा लिया को लिखा लिया तो ये भी दबा पा के राजनामा लिखा लेंगे बेचारे तो कल तो कला से ता करके डरता नहीं आया हूँ चलो साढ़े नाल रबता किया असी एक सिख होंगे नाते खड़े हाँ होर सू जानते नहीं असं भी उन्होंने कौन आ पर मसला दस्तार का इतने तो अच्छ जथेबंदियां इस खड़िया ने की कार्रवाई कराओगे जी तुम हूँ देखो जी गल तो सिंह के उ खड़ी है भी जेकर माफ़ी मांग के उन्होंने छड़ना चाहता होगा तो जिमें चाहता होगा भी उमें माफ़ी मांग लैन तो जी संतुष्ट होगी ठीक है नहीं तो कार्रवाई तो बनती है ना फिर तो प्रशासन का फर्ज बनता साहब का कहने की लड़ ही नहीं होनी चाहिए ना फिर तो जुर्म का जुर्म है ना कारण की है जी दो दिन हो चुके हैं पर हजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है कारण वीर जी बड़ा स्पष्ट आ भी एक सिख की दस्तार लत्थी आ इस करके जोड़ा वा वो प्रोसैस लंबे ने जे कि इस सिख नौजवान के वलों दस्तार लत्थन तो बाद शस्त्र वरत्या हों अपना बचा कर भावें डिफेंड के ना इतने हो जाना परचा पहला गल मैं दस्या तुम्हें भी कारण यह है भी सिख आ दस्तार लत्थी आ केस भी पटाले आ पग भी लवाली आ बेजती भी कराली आ हूँ तरले भी ठाने कड़ता फिर मेरे मैं इंसाफ दौ हूँ टाइम दिता गया जी इन्होंने प्रशासन के वालों कहा जा रहा कि असं दोषियों को बुलाने देखो तुम इतने कि हैरानगी वाली गल आ एक बंद ने जुर्म किया वा जुर्म सामने आन रिकॉर्ड आ पुलिस उन्होंने बुलाऊगी लैके नहीं आऊगी साडे घर के चार चार जिले की पुलिस बैठी होंगी आ के जे साडे असीं कोई पंथक कार्ज भी कर दें इतने एक बंदा पागल वहा के कुट खा के तो यह कहता फिर जी लियाओ उन्होंने बुलाओ जी फिर असीं माफ़ी मंगा लो जी वो को समझ आती है कानून किदां दीआं दो रावां जिहड़ा दो हमेशा ही कहा जाता ना आप हमेशा ही गल करते हैं भी सिखां दे नाल दोहरा जिहड़ा मापदंड आ वो बनाया जाता एससी परमजीत सिंह काली जिन्हां दे वल्लों कई तरह के सवाल पुलिस से भी खड़े किए गए हैं फिलहाल उन्होंने वालों दसिया जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवर से गल खड़ी की गई है तो जो भी उन्होंने वालों कार्रवाई या फिर माफ़ी या फिर राजनामा करवाना होगा तो वह टैक्सी ड्राइवर के वालों ही करवाया जाएगा फिलहाल न्यांग सिंह जथेबंदियों के वालों कहा जा रहा है कि इस नौजवान के उपर कार्रवाई की जाए जगबन टीवी के लिए गुरप्रीत सिंह अमृतसर।